आप लोगों की भाभी जो है कबूतरों को बाजरा डाल रही है। ठीक है भाई, ये देखा आप लोगों ने, जबरदस्त बेहतरीन भाई, मजा आ गया यार, मेहनत का फल मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। भजन कैसे हो आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार काफ़ी दिनों से घर पर काम छिड़ा हुआ था और मैंने बोला आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हमने क्या घर पर तोड़ फोड़ शुरू की हुई है। आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैंने आगे काम से जाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आए ये देखें भाई, ये हमारा पहले एक गोदाम था। ठीक है, इस गोदाम में जो है ना हम लोगों ने सारा सामान वामान रखा हुआ था। ये देखें ये सारा कबाड़ शबाड़, ये सारा जो ना पूरा चादरें देखें, ये भी टूटी फूटी। यहाँ पे हमने सारा जो है टीन टब्बड़ यहाँ पे यहाँ रखा हुआ था। ये गेट है जो बाहर से आता था। ठीक है, इसका गेट जो था ना अलग था, इसका गेट हमने अलग किया हुआ था बाहर से गोदाम के लिए ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हमने जगह निकाली है घर के अंदर। ये देखें मेरी बाइक खड़ी है, जहाँ आपने देखा होगा घर पर जहाँ मेरी बाइक खड़ी रहती थी, ये वो जगह। यहाँ से हमने पहले से पहले यहाँ सुराख किया था। देखा सारे बच्चे बैठे हुए पढ़ लें, पहले हमने यहाँ से सुराख किया हुआ था, पर इसकी वजह से ना हम गेट नहीं लगा सके। अब हमने जो है यहाँ पे जो है दरवाज़ा निकालेंगे और यहाँ पे फिर गेट लगाएंगे। बाकी सामान वामान भी यहीं रखेंगे और इसको फिलहाल गोदाम के तौर पर ही इसको सेट कर रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं। इस जगह पर जो ना अंदर की तरफ दीवार चढ़ी हुई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये दीवार चली हुई थी, ये दीवार पूरी अभी हमने जो है यहाँ से तोड़ी है, तोड़ के जगह को बड़ा किया है। और फिर ये अंदर वही वाला गोदाम, इसको हमने बड़ा क्यों किया है, इस घर को हमने थोड़ा सा बड़ा किया। पहले गोदाम था ना घर के बीच में, इसको इस जगह को हमने घर को थोड़ा बड़ा किया, क्योंकि गोदाम हमारे घर के अंदर ही था। दीवार हटा कर हमने इसको बड़ा किया है। अब इसको बड़ा क्यों किया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल मैं जो है कबूतरों को बाजरा डालने जा रहा हूँ। आप लोगों की भाभी ने बोला कबूतरों को बाजरा डालना है, तो अभी बाजरा डाल के फिर वापस आते हैं। पहले कपड़े चेंज करता हूँ फिर निकलते हैं। अभी हम कबूतरों को बाजरा डालने जा रहे हैं, कबूतरों को बाजरा डाल के फिर वापस आते हैं। ये भाई आप लोगों की भाभी जो है कबूतरों को बाजरा डाल रही है, सवाब कमा रही है, देख लो यार अकेले अकेले। अभी मैं आसिफ भाई के घर पे आया हूँ काम के सिलसिले में, इस वजह से मुझे यहाँ आना था। और सामने जो है ये मीनार पाकिस्तान पड़ा हुआ है, इसके साथ ये ना ये रिंग है, ये रिंग जो है ना इसमें डालने, अभी इसमें रिंग डाल करके जो है ना ट्राई मारते हैं कि हम कितना रिकॉर्ड कायम कर सकता हूँ मैं, और मेरा तुक्के लगते नहीं लगते हैं, मैं कितना जीनियस हूँ अभी पता चल जाएगा। हम ये शुरू करते हैं, पहले अनाबियाँ फेंकेंगी, उसके बाद फिर मैं फेंकूँगा, या पहले मैं फेंकूँगा या फिर अनाबियाँ फेंकेंगी। है ना अनाबियाँ सारे फेंकोगे, इसको डाल दोगे आप। चलो भाई देखते हैं कि इसमें सारे कौन डालता है। चलो शुरू करो। चलो भाई, ओह अरे वाह जबरदस्त, एक तो चला गया अनाबिया का। ये छह रिंग जो है वो उस मीनार पाकिस्तान में जो है हमने ऊपर से डालने। ठीक है, यहाँ से फेंकेंगे और देखते हैं कितने जाते हैं। पहला, वाओ ये को तुक्का नहीं है भाई। दो, तीन, चार, पांच, अबे छह के छह पूरे गए। वाह भाई वाह, जबरदस्त, छह के छह देख लो आपके सामने, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड भाई रिकॉर्ड है मेरा। वाह भाई वाह जबरदस्त यार, तुक्का लग गया भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना, मैंने रिकॉर्ड कायम कर लिया भाई, कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए मेरा यार। ये देखें भाई मैं कितना जीनियस हूँ, ये भी आप लोग देख ही लें, आज आपको सब दिखा दूंगा मैं, सब आपको रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं आज, ये देखें। ठीक है भाई, ये देखा आप लोगों ने, जबरदस्त, ये शाबाशी तो मिलनी चाहिए। वाह भाई वाह,
कोई कर सकता है रिकॉर्ड कायम करके दिखाए मेरा भाई? एक साथ देखो, एक साथ अना भी एक साथ फेंकेगी। चलो फेंको, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने तो तोड़ ही दिया। चलो भाई, चलो चलो, अभी अभी जो है आसिफ भाई के घर से वापस आया हूँ। अब जो है अम्मी के घर जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा टिक्को का प्रोग्राम है। मैंने बोला बच्चों को भी साथ लेके चलता हूँ, तो मिशाल को भी लेके चलते हैं, आप लोगों की भाभी को भी साथ लेके चलते हैं। वहाँ जाके कुछ खापा शापा सिक्के शिक्के खाते हैं, तो आप लोगों को भी साथ में वहाँ पे शामिल करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज टिक्के हम कैसे बनाएंगे और कैसे खाएंगे। क्यों भाई विशाल? विशाल भी तैयार हो गई है भाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, विशाल के मुँह में पानी आ रहा है भाई, है ना? सही है भाई। मैंने बोला चलो बच्चों के भी मज़े हो जाएंगे, टिक्के खा लेते हैं आज अम्मी के घर पे। अम्मी का स्पेशल फ़ोन आया था, अम्मी ने बोला आ जाओ भाई, आज जो है टिक्को का प्रोग्राम है, टिक्के साथ बैठ के खाते हैं। चलो भाई बनाते नहीं है, अब देखते हैं वहाँ पे मुझे बनाने पड़ेंगे या फिर बने बनाए मिलेंगे। नदियाँ खड़ी कर दी है मैंने। आप पहले से पहुँचे हुए? वाह भाई वाह, टिक्के शिक्के खाओगे फिर आज? हाँ वाह भाई, चलो 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 भाई, ये अभी तो बनाई नहीं है यार। ये देखो भाई, मसाला लगा के तैयार करके रखा हुआ है इसको, यानी इसका मतलब है ये मुझे बनानी पड़ेगी। चले तैयारी करते हैं। ये रहा भाई चूल्हा रेडी है, ये कोयले भी आ गए, कोयले भी रेडी है। सीखे कहाँ हैं भाई? सीखे लेके आओ। ये सब रेडी है और मैं आया था खाने के लिए, वो कह रहे खाने से पहले आप लोगों को बनानी पड़ेगी, तो अब मुझे बनानी पड़ रही है यार। मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आऊँगा तो फिर अब बनाएंगे, अब मैं आया हूँ तो बनाऊँगा तो फिर खाऊँगा भाई। चलो खैर है, खानी भी तो है। अभी कोयले तैयार होने में, गर्म होने में कुछ देर बाकी है, बस आग अभी पकड़ ली कोयलों ने, अभी इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। मेरे हाथ के हालत देखो, हाथ मेरे कैसे हो गए, काले हो गए, लाल हो जाए अंगारे, फिर जो है टिक्के जो है इसके ऊपर रख के बस ये गर्म हो जाए, उसके बाद फिर इस पर टिक्के रखते हैं। और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, अभी से पानी आ रहा है मेरे मुंह में। खाने के बाद बचरेगा कैसा टेस्ट है उसका, कैसा मज़े का है। बस ये हो जाए गर्म, फिर उसके बाद रखते हैं और टेस्ट करके बताएंगे टिक्के कैसे हैं। ओह आतिशबाजी, वाह वाह, ओह ये मैंने क्या डाल दिया था यार, वाह भाई वाह, सीखों में डाल दिया गया इसमें, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। और ये अलग से मेरे लिए बड़ी बोटियाँ, ये बंद नहीं हुआ अभी तक यार, इसको चेक तो करें। आज तो मज़ा आने वाला है भाई, विशाल टिक्के खाओगे ना? बड़ा वाला टिक्का चाहिए। वाह भाई, फिर मैं क्या खाऊंगा? मैं छोटा टिक्का खाऊँ। ये देखें भाई, इसको भी हम रखने लगे हैं, तो भाई हमने ये रख दी है, अभी तैयार हो जाए फिर आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि अभी पकने में बहुत टाइम लगेगा। ये पक जाए तो फिर आप लोगों को बताते हैं। गर्म गर्म टिक्के तैयार हो रहे हैं, ये देखें भाई गर्म गर्म भाई, ये देखें सीखे तैयार हो गई हैं, वो वाली अभी लगाई हुई है, ये वाली तैयार हो गई है, थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी मज़ेदार। वाह तो जनाब, अभी मैं इसको खाने लगाऊँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसी है, कितने मज़े की है या हैवी की नहीं। तो गर्मा गर्म कहाँ से शुरू करूँ? हाँ 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 हाँ, जबरदस्त यार, एक बाइट और, बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया यार, मेहनत का फल मिल गया। मेहनत मैंने की है, बनाया मैंने, तो खाऊंगा भी ज़्यादा मैं, तो ये जल्दी से खा कर फारिग होकर फिर आप लोगों से मिलता हूँ, उससे पहले कि देर हो जाए। भाई लाइट चली गई है,
ये देखें मैंने अपने गरम गरम लेग पीस उठा लिया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ बना रहा हूँ तो खाना भी तो मुझे ज़्यादा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, डोंट डिस्टर्ब मी। खाने में और मजा आ रहा है, क्या लेट नाइट, लेट नाइट खाने का भी मजा आ, अंधेरे में खाने का मजा अलग है, तो ये भी एक अपना मजा है। मेहनत की है मैंने भाई, खाना तो मुझे बल्कि ज्यादा भी खाना चाहिए क्योंकि मेहनत मैंने की है। प्रोग्राम तो हो गया, अब मैंने बोला कोयले वाली चाय भी हो जाए। ये देखें भाई अभी कोयले वाली चाय हो रही है, बन रही है भाई, ये देखें नीचे कोयले जल रहे हैं और चाय अभी बन जाएगी, तो गर्मा गर्म चाय भी पी। इतना खाली है कि अब हिला नहीं जा रहा, मुझसे पूरा फुल हो गया। रात के 3 बज गए, तिके खाने में रात टाइम का पता ही नहीं चला, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, टाइम बहुत हो गया। अरे हम घर पहुंच गए हैं और जो है 3:30 बजे का टाइम है अभी, तो अभी आराम करेंगे क्योंकि बहुत मस्त जो है ना दावत हो गई, बहुत मस्त किस्म के जो है ना खाना हो गया। तो इसके साथ ही आप हमें मुझे इजाज़त दें, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।